आपके पैर में ये कीचड़ क्यों लगा है? हम खेत में काम करके आ रहे हैं। अगली बार हमारी सरकार आएगी तो खेत में हम टाइल्स लगवा देंगे, जिससे आपको कीचड़ में काम नहीं करना पड़ेगा। आपके पास कितनी जमीन है? हुजूर 15 बीघा। वो कितनी होती है? आपके जिया जी की जमीन के छोटे कोने जितनी। ओह, तो आप क्या उगाते हैं? कपास। वो क्या होता है? जी, जिससे आपका कुर्ता बनता है। तो आप कुर्ते की खेती करते हैं? और क्या है आपके पास? जी, 2 बैल हैं। गुड, बहुत बढ़िया। कितना दूध देते हैं? बताइए, आपकी क्या क्या परेशानियां हैं? माई बाप, गांव में पानी बिजली तो है, लेकिन एक भी शमशान घाट नहीं है। तो मैं क्या करूं? गांव में शमशान घाट बनवा देते तो ठीक रहता। ठीक है, इस बार हमको जिताना, सबके घरों में एक एक शमशान घाट बनवा दूंगा। इतनी मोटी घास, क्या बाहर से बीज मंगाया है? घास नहीं, गन्ने की फसल है। अच्छा, गुड़ वाला गन्ना? हाँ। अभी इसमें गुड़ लगना शुरू नहीं हुआ, कब तक लगेगा? जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे तब। आप खेत में क्या क्या बनाते हो? गेहूं, चावल, दाल। तो किसान जैम कौन बनाता है? तेरा बाप बनाने आता है। इस लोटे में गाय का 1 लीटर दूध दे दो। राहुल जी, आपका लोटा बहुत छोटा है। तो क्या हुआ? राहुल जी, इसमें 1 लीटर गाय का दूध नहीं आएगा। अच्छा, गाय का नहीं आएगा, चलो फिर बकरी का 1 लीटर दूध दे दो। पुराने समय की बात है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहे थे, अचानक नीचे पहाड़ी पर कुछ जानवर को चराते हुए एक शख्स को अकेला देख उस बेचारे शख्स को छेड़ने के लिए उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर को नीचे उतरवाया और उस किसान के पास पहुंचे। राहुल ने कहा, अगर मैं बिना गिने गायों की संख्या बता दूं तो तुम मुझे एक बछड़ा दे दोगे? जी, मैं दे दूंगा। राहुल ने मोबाइल में गूगल मैप से वहां की लोकेशन ली और उसे इसरो को भेजकर पूछा, इस पहाड़ी पर कितने जीवित प्राणी हैं? सर, 35 प्राणी। इसके बाद राहुल ने 2 कम करके कहा, तुम्हारे पास 33 गाय हैं? जी हाँ, ये 33 ही हैं। तो अब एक बछड़ा मुझे दो। किसान ने एक बछड़ा दे दिया। इसके बाद जब राहुल हेलीकॉप्टर में बछड़ा ले जाने लगे तो किसान बोला, अगर मैं आपका नाम बता दूं तो क्या आप मेरा जानवर मुझे वापस कर देंगे? हाँ, बताओ। आप राहुल गांधी हो? तुमने कैसे पहचाना? बहुत ही आसान है। पहली बात, आप बिन बुलाए आए हो। दूसरी, जिन्हें आप गायें बता रहे हो वह भेड़ हैं। और तीसरी बात यह कि जिसे आप ले जा रहे हो वह बछड़ा नहीं, एक कुत्ता है।